Hello, I'm Dr. Sherry Garg. I'm an old student of Genesis from 2013 batch. I'm very grateful to the teachers here for getting me into the medical college, PGIMS Rohtak. I got an All India rank 580 at that time, and now I'm entering to do my PG in Derma in AIIMS Nagpur. And I'm really thankful for my teachers here at Genesis to helping me all. So plus one plus two में मैंने Genesis join किया था, but कुछ मैं सीरियस नहीं थी इतनी उस टाइम पर. मैं बहुत ही कैजुअली पढ़ती थी. मैं पढ़ना मुझे पसंद था बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ा था. तो एग्जाम डे पर मैं बहुत घबरा गई थी और ब्लैकआउट हो गया था, तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ था व्हेन आई वाज इन प्लस टू. तो फिर मैंने ड्रॉप करने की सोची. तो पहले तो यही था कि चंडीगढ़ जाना है क्योंकि सब लोग चंडीगढ़ जाते हैं, वहीं जाना है. बट मैंने अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट किया कि मुझे आप जेनेसिस में ही वापस एडमिशन कराओ और मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं एडमिशन लेकर दिखाऊंगी. बिकॉज मुझे खुद पे भी ट्रस्ट था, प्लस मुझे सर पे, नवनीत सर और जितेंद्र सर मुझे बहुत सपोर्ट करते थे. मतलब मेरे पापा यहाँ आए तो उन्होंने कहा था कि इसका तो नहीं होगा एडमिशन सर. तो सर ने, नवनीत सर और जितेंद्र सर ने लिख के दिया था उन्हें डायरी पर कि इसका एडमिशन हो जाएगा, आप इसका एडमिशन यहाँ करवा लो. तो ड्रॉप ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है वो इस चीज़ से निकलना होता है कि तुम ड्रॉपर हो. बहुत सारे बच्चे बहुत महीने इस चीज़ में ख़राब कर देते हैं कि हम ड्रॉपर हैं, हम फिर से नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ये हो रहा है. मैंने शायद फर्स्ट डे जब मैंने ज्वाइन किया था उस दिन मैं बहुत दुखी थी कि ये क्या फिर से मुझे वेक्टर पढ़ना पड़ रहा है और बहुत ही बेसिक चीज़ें जो ऐसे लगता है ये तो बहुत अच्छे से आती है क्योंकि थोड़े से ही मार्जिन से रही थी. बट फिर नेक्स्ट डे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं वेक्टर भी उतने ही एंथुसियाज्म से पढ़ूंगी जितना मैं शायद फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि मुझे फिजिक्स बहुत पसंद थी इसलिए मैं फिजिक्स के लिए. प्लस मेडिकल वालों को बहुत ये रहता है कि फिजिक्स टफ होती है, फिजिक्स नहीं आनी, फिजिक्स नहीं आती है हमें, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर तुम्हें बायो तुम्हें एडमिशन दिला देगा, रैंक फिजिक्स दिलाती है. ये मैं हमेशा अपने हर जूनियर को बोलती हूँ क्योंकि बायो हर बच्चे को आती है जो कोटा में इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने एनसीईआरटी रटी हुई है. तो अगर तुम्हें अच्छी रैंक चाहिए तो तुम्हें अपनी फिजिक्स स्ट्रांग करनी पड़ेगी और बहुत टफ नहीं है. मतलब मैथ्स मेरा ये था, मैं ब्लाइंडली नवनीत सर को फॉलो करती थी. सर ने अगर नॉन मेड का टेस्ट दिया, बच्चे होते थे नहीं नॉन मेड का टेस्ट हमें क्यों दे रहे हो, फिजिक्स तो फिजिक्स है ना यार, कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं हो जाते. तो बेसिकली ये है कि अपनी फिजिक्स स्ट्रांग करो अगर तुम मेडिकल में हो तो भी. कोई भी सब्जेक्ट तुमने छोड़ना नहीं है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायो, चाहे फिजिक्स है. तो फिजिक्स मेरा फोर्टे था, मुझे पसंद थी, मैं पढ़ती थी. ड्रॉप ईयर में एक चीज़ जो सर ने बोला वो ये था कि मैं सिर्फ डाउट्स लेती थी. मेरी सेल्फ स्टडी शायद 30% थी और 70% डाउट्स था. वो तुम तब कर सकते हो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे थ्योरी पार्ट ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, जो कि मेरा था. डाउट्स से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि डाउट्स बेसिकली वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हर बच्चा अटक रहा है और वो ही टफ क्वेश्चंस हैं. तो जब तुम वही डाउट्स बार बार हर बच्चे को बताते हो वो टफ क्वेश्चंस तुम्हारे स्ट्रांग हो जाते हैं, जो तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा एज प्रोवाइड करते हैं जब तुम एग्जाम देते हो.